स्वागत है आप सबका रॉयल एस एकेडमी के इस नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है पीआईबी इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में हम पीआईबी के उन इंफॉर्मेशंस को खंगालते हैं जो स्टेट पीसीएस पर्टिकुलरली यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है अभी 24 अक्टूबर को, अदर स्टेट पीसीएस एंड फाइनली यूपीएससी के लिए करेंट अफेयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। जनवरी 2021 से हमने आर्टिकल्स को पिक किया है और आर्टिकल आपको बोर्ड पे दिख रहा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 14th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका लॉन्च्ड, 40वां एक्सपेडिशन अंटार्कटिका के लिए गोवा से लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है व्हीकल का नेम, इस व्हीकल का जिसे हम वेसल कहते हैं डिफेंस टर्म में, आइस क्लास वेसल कहते हैं, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी है ये, MV वैसली गोलोविन। आप या तो गोलोविन याद रखें, यहां से भी आप वहां पे टिक कर देंगे, केवल गोलोविन याद है, तो इस वेसल का नाम है गोलोविन। 40वां इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन है तो 40 मेंबर ही होंगे और एक्चुअली ये 40 साल से जो हम जुड़े हुए हैं अंटार्कटिका से, जब अपना पहला कुछ लॉन्च किया गया था अंटार्कटिका के लिए जो साउदर्न पोल है अर्थ का, तो एवरीथिंग इज 40, सब कुछ 40 है, 40वां एक्सपेडिशन है, 40 मेंबर है और 40 साल को हम याद कर रहे हैं एक तरीके से। ये गोवा से लॉन्च किया गया था गोवोलिन। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल को। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए बेंगलुरु में, बेंगलुरु यानी कर्नाटका को एडीबी ने $100 मिलियन दिया है। वन लाइनर है ये, जो वन लाइनर होता है उस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती है, डिटेल में रिसर्च वगैरह को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब एक अपडेट आया था जनवरी में, न्यू स्ट्रेन ऑफ नोवल कोरोना वायरस फ्रॉम यूके। याद होगा कोरोना वायरस के नए नए अपडेट आ रहे थे, नए नए भाईवान आ रहे थे, है ना, नए नए वेरिएंट आ रहे थे यूके वेरिएंट का, तो इतना ही काफी है याद रखना। अच्छा, कुछ अच्छी चीजें इसमें देखने को मिली है, जैसे कि जो लैब है और वो है कहाँ, एनसीडीसी, ये कैंसर वाला आपको याद होगा न्यू दिल्ली में है, एनसीबीजी कल्याणी ये कैंसर का ये भी है, ये कोलकाता में है, NIV ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CCMB हैदराबाद में है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी वाला जो इंस्टीट्यूट है CSIR का पार्ट है ये, जबकि NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ICMR का पार्ट है। यहां मैं केवल दो चीज पर आपका फोकस करवाना चाहूंगा, NCDC मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर डायरेक्ट आता है जो कि नई दिल्ली में है, NIV वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है ICMR के अंदर आता है, CCMB सेलुलर एंड मोलर बायोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट ये CISR के अंदर आता है, एंड NIMHANS ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ये यूके वेरिएंट से रिलेटेड आर्टिकल में मिल गया हमें, पढ़ देने में कोई बुराई नहीं है। 51st IFFI अनाउंसेस इंटरनेशनल ज्यूरी कंप्राइजिंग एमिनेंट फिल्म मेकर्स। जब हम पहुंचेंगे 16 जनवरी को तो देख लेंगे कि इसको क्या मिला है। फिलहाल 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज किया गया है, गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। अगले आर्टिकल को देखते हैं, CSIR अपना 75वां बर्थडे मना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे वहां पे और उन्होंने कुछ उद्घाटन भी किया है नई नई चीजों का, जैसे NMC का नेशनल मेट्रोलॉजी कंक्लेव को ऑर्गेनाइज करवाया उन्होंने, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल एंड भारतीय निर्देशक द्रव्य कंट्री को उन्होंने डेडिकेट किया, नेशनल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का स्टोन फाउंडेशन ले किया उन्होंने, ये सारा का सारा कुछ दिल्ली में हुआ है। CSIR बना था 1947 में, 4 जनवरी 1947 को, दैट्स वाई अपना 75वां बर्थडे मना रहा है। आप 2021 से ऐड करके इसका डेट वैसे भी निकाल सकते थे, तो इससे अगर कुछ रिलेटेड है तो CSIR बना कब था, क्योंकि अपना 75th फाउंडेशन डे मना रहा है और CSIR का कंट्री के साइंस एंड रिसर्च में कंट्रीब्यूशन को किसी भी नजर से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज किकिंग ऑफ एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। सागरमाला का नाम आपने सुना था, इसमें एक और सर्विस ऐड हो गया है सी प्लेन सर्विस, किस मिनिस्ट्री के अंदर, पोर्ट वाले मिनिस्ट्री के अंदर, ये एयरलाइन ऑपरेटर्स को भी अपने साथ कोलैबोरेट करवाएंगे।
मेजर पोर्ट से रिलेटेड कमेंट इनवाइट किया गया था और मेजर पोर्ट 12 हैं कंट्री में, इस साल 13 हो गए हैं, एक मुंबई में और महाराष्ट्र को एक और पोर्ट मिल गया है। ट्राइफेड ने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम सेटअप किया है ट्राइफूड पार्क से रिलेटेड मध्य प्रदेश में। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ट्राइफेड ने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम या आश्रम कहाँ खोला है, ट्राइफूड पार्क कहाँ खोला है, तो ये मध्य प्रदेश में ओपन किया गया। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर ब्रिंगिंग जेंडर डिवाइड इन स्टीम रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट। ये स्टीम क्या है, स्टीम का हम फुल फॉर्म जानना चाहेंगे कि स्टीम है क्या। स्टीम एजुकेशन से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे चलाती है और टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को खासा महत्व दिया गया है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इसी की बात कर रहे हैं। पीएम केयर फंड ट्रस्ट एलोकेट्स इतना करोड़ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ डेडिकेटेड पीएसएम मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। पीएम केयर फंड इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी डिस्प्यूट में रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि पीएम केयर फंड किसी भी तरीके से कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता इसके अगेंस्ट। ब्लू इकोनॉमी इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट सोर्स। ब्लू इकोनॉमी, मछली पालन, मत्स्य संपदा योजना। पीएम टू डेडिकेट रेवाड़ी मादर सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कोर्ट। फ्राइट कॉरिडोर बहुत सारे बन रहे हैं, आपको इनका लेंथ याद हो लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट, तो और अच्छी बात है। उद्योग मंथन एक वेबिनार आयोजन किया गया था, एक मैराथन था वेबिनार का, ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री करेगी इसे। डीआरडीओ ने एमओयू साइन किया है किसके साथ, महामेट्रो के साथ, एडवांस बॉडी जेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी मेट्रो रेल नेटवर्क में लगाने के लिए। डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, काफी डिफेंस आइटम प्रोवाइड करवाता है, महाराष्ट्र मेट्रो के साथ इसने एमओयू साइन किया है, ये अलग टाइप का टेक्नोलॉजी मेट्रो रेल नेटवर्क को देगा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर फॉर WCD एंड टेक्सटाइल ज्वाइंटली लॉन्च टाइकॉथन 21 एंड टाइकॉथन पोर्टल। तो टाइकॉथन पोर्टल, टाइकॉथन 21 क्या है ये आपको मालूम हो। अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड डिलिनेशन ऑफ सब सरफेस स्ट्रक्चर्स इन दिल्ली रीजन, एस्टेब्लिश किया गया एक मॉनिटरिंग स्टेशन दिल्ली में। दिल्ली कौन से जोन में आता है ये आपको मालूम हो। ज्वाइंट स्टडी ग्रुप एंड सर्विलांस स्क्वाड कॉन्स्टिट्यूटेड टू चेक अमोनिकल नाइट्रोजन रिवर यमुना, और यूपी पीसीएस का फेमस क्वेश्चन बनता है इस पर कौन से रिवर में क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं एक बार डिटेल में। CPCB कन्वेंड मीटिंग ऑन January 4 विद द ऑफिशियल ऑफ DPCC दिल्ली पॉल्यूशन HSPCB एंड दिल्ली जल बोर्ड। किस लिए, यमुना में जो अमोनिकल नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा है उसे चेक करने के लिए। तो अमोनिकल नाइट्रोजन की बात अगर आए तो रिवर यमुना आपको याद आए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अनाउंसेस कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, याद कर सकते हैं तो कर लें। वर्ल्ड बैंक ने $105 मिलियन दिया है वेस्ट बंगाल को वाटरवेज इंप्रूव करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उजाला है और SLNP है, ये 6 साल हो गए इनको, यानी उजाला 2015 में लॉन्च किया गया रहा होगा, आज 2021 चल रहा है, तो 6 साल उसने कंप्लीट कर लिया है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस विद रेलवे गेट से सॉलिड बूस्ट। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया है, याद होगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ, यानी 6 जनवरी का न्यूज आर्टिकल। इंडिया जर्मनी लीडर्स के बीच में वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस हुआ है, दोनों के पीएम के बीच में, वहां के चांसलर के बीच में। कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इंडिया और जापान के साथ स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया वर्कर्स देगा जापान को, स्किल्ड वर्कर देगा, स्पेसिफाइड एरिया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इस टाइप का स्किल्ड पर्सन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा इंडिया। गुड एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट बहुत हो गया, अब इंसान भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे, कौन से कंट्री को, जापान को। देखते हैं अगले न्यूज आर्टिकल को। वर्ल्ड ऑफ कोरिएंडर वेबिनार हेल्ड टू एक्सेलरेट क्वालिटी प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर से रिलेटेड इसी बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, लोग कहेंगे कहां से क्वेश्चन आ गए, यहीं से क्वेश्चन था। ये जो कोरिएंडर दिख रहा है इस पे वेबिनार हुआ था वर्ल्ड लेवल पे, और इसके क्वालिटी को प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करने, क्वालिटी और
क्वालिटी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के बारे में बातें की गई थी। एक क्वेश्चन आया था कोरिएंडर से रिलेटेड, जिन किसी ने भी दिया होगा यूपीएससी एग्जाम, मैं उनकी बात कर रहा हूं, 10 अक्टूबर वाले एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। पीआईबी से बाहर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गवर्नमेंट अप्रूव्स एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट अक्रॉस द कंट्री, अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन एवियन इन्फ्लुएंजा इन केरला इन डक्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा इन क्रॉस वर्ड्स इन द कंट्री। अब आएगा कि एवियन इन्फ्लुएंजा का रिपोर्ट कहां किस स्टेट से मिला था इस साल, तो भाई केरला, हर एक चीज केरला से शुरू होता है, चाहे वो निपा वायरस हो पिछले साल का 2018 का, या कोरोना हो 2019 का, या एवियन इन्फ्लुएंजा हो 2021 का, सब केरला में ही शुरू होता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने लोन साइन किया है 646 मिलियन का, इतने डॉलर का, 646 मिलियन डॉलर का, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। किस लिए? स्टेट हाईवे नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क आंध्र प्रदेश में अपडेट करने के लिए। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये इन्फ्लुएंजा न केवल केरला में आया था, बाद में हरियाणा भी पहुंचा था, इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिप्लॉय किया था मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, लेकिन नो डाउट स्टार्ट हुआ इन्फ्लुएंजा सबसे पहले केरला में, फर्स्ट केस। लासी लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, लासी वेव वन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिलीज किया था लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। ये क्या देगा? इट विल प्रोवाइड एविडेंस बेस फॉर नेशनल एंड स्टेट लेवल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर एल्डरली पॉपुलेशन। अब शॉर्टकट में पूछ देगा आपसे कि लासी वेव क्या है, लासी वेव वन क्या है, तो लासी वेव वन लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया एल्डरली पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कौन कौन लॉन्च करने वाला कौन कौन है ये भी देख लीजिए। लासी इज ए फुल स्केल नेशनल सर्वे ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, द नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, नो डाउट थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस IIPS एंड UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये सब के सब इसमें शामिल हैं। लासी वेव आपको याद रहे, लासी वेव एक ट्रिकी सा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। खादी और विलेज इंडस्ट्री, KVIC ने ITVP के साथ MOU साइन किया है, ऑब्वियसली उनको ड्रेस वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। एक पैट स्कीम है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, जिसके तहत अब रोड बनाने के लिए दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट डेट में, 7 जनवरी, PM ने इनॉग्रेट किया है प्रवासी भारतीय दिवस, PCS का हार्ड कोर क्वेश्चन है, एवर ग्रीन एवर वॉन्टेड क्वेश्चन है, 9 जनवरी को, कहां किया है ये इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी के किसी शहर में है, खास करके बनारस में है, ऑलरेडी पूछ चुका है UPPCS। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, कोई कल्चर वल्चर का नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर का है, याद रहे। और 9 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था और 16 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को। इसका थीम क्या है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तो पढ़ ही लेना भाई, जो भी UPPCS देने जा रहे हो खूब डिटेल में पढ़ लो, खूब हंगामा मचा हुआ है आत्मनिर्भर भारत को लेकर के। और इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस का थीम है वो भी है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। सो ये प्रवासी भारतीय दिवस 16वां है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। थीम है इसका कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नालको इन्वेस्ट करेगा 30,000 करोड़। नालको एल्यूमिनियम कंपनी है, ये कहां है? उड़ीसा में बेस्ड है ये, और भी जगह पे होगा नो डाउट। 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया एट द WTO बिगिंस। WTO और इंडिया बिल्कुल सौतन का रिलेशन है दोनों में, एक दूसरे का, WTO और इंडिया का। आपको अच्छे से याद होगा WTO की एक सिंगल पॉलिसी ऐसी नहीं है जो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए हो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो ये ISI मार्का देखते हैं आप,
ये सेलिब्रेट कर रहा है 74th फाउंडेशन डे 6 जनवरी को। एजुकॉन 2020 ये दो दिन का वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस था, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसे इनॉग्रेट किया था। जीडीपी रिलीज किया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, याद रहे एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर अब एनएसओ बना के दिया गया है। और जीडीपी कौन रिलीज करता है? एडवांस एस्टिमेट, एस्टिमेट ऑफ जीडीपी, सिंपली जीडीपी कौन रिलीज करता है? एनएसओ। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। नेशनल जल जीवन टीम विजिट वेस्ट बंगाल टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू द स्टेट टू अचीव द गोल ऑफ हर घर जल बाई 23 एंड 24। 2024 लक्ष्य रखा गया है हर घर जल का, याद रहे बिल्कुल, कहीं से भी भूलने वाली बात नहीं है, नहीं तो गया एक नंबर।